और केमियोस काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है क्योंकि हमें फ्यूचर में आने वाली फिल्मों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। जैसे कि हमें नोवे होम में चार्ली कॉक्स यानी कि डेयर डेविल का केमियो देखने मिला और हमें ब्लैक स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स मोरेलेस का केमियो भी देखने को मिला। भाई साहब इन केमियो पे ही पब्लिक इतना पागल हो गई कि ठीक से किसी का भी डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा। तो जी हाँ, आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आने वाले कन्फर्म्ड एंड अनकन्फर्म्ड केमियोस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनकन्फर्म्ड केमियो से। तो पहला है स्टेम का यानी कि हैली बेरी का, जी हाँ वही एक्समैन सीरीज वाली। तो आगे है हमारे मैग्नेटो का, जी हाँ वही हमारे बूढ़े वाले चाचा मैग्नेटो। फिर आगे है ह्यूज जैकमैन का यानी कि वुल्वरीन का। और सबसे ज्यादा अगर किसी का इंतजार है तो वो हमें वुल्वरीन का ही है। और अगर आप सोच रहे हो कि एक्समैन के इतने सारे क्यों आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं मार्वल ने फॉक्स को खरीद लिया है। तो यार फॉक्स की बात निकल ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि फैंटास्टिक फोर से भी हमें मिस्टर फैंटास्टिक का केमियो देखने मिलेगा। तो यार अब जो मैं आपको एक केमियो बताने वाला हूं उसको बिल्कुल दिल पर मत लेना। तो यार वो केमियो है टॉमी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन का। तो यार ऐसा नहीं है कि मार्वल वाले अब टॉमी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन को हमें बताने नहीं वाले, वो बिल्कुल बताएंगे पर अभी नहीं, क्योंकि उन्हें हमें अभी ही देखा है और वो इतनी जल्दी मार्वल उन्हें रिटर्न नहीं करने वाला। तो मैं भी इसके बहुत ही कम चांस है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आने के। तो चलते हैं अगले नंबर पर। तो अब उसका नंबर है जिसे मैं एवेंजर्स के साथ देखने के लिए पागल हो चुका हूँ, डेडपूल। जी हाँ, डेडपूल भी हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकता है। आपको पता नहीं डेडपूल भी अब मार्वल में आ चुका है और डेडपूल 3 भी मार्वल के अंदर ही बनेगी। तो हाँ, शायद हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेडपूल का भी केमियो देखने मिले। तो यार ये तो हो गए अनकन्फर्म्ड केमियो। तो अब बात कर लेते हैं कन्फर्म्ड केमियो की। यार पहला केमियो ही आ रहा है हमारे टॉम क्रूज वाले आयरन मैन का। तो मैं आपको बता दूं ये रोल आरडीजे से पहले टॉम क्रूज को ही ऑफर हुआ था पर किसी कारण उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया और फिर ये रोल मिला हमारे आरडीजे को। वैसे आज फैंस टॉम क्रूज को आयरन मैन के रोल में देखने के लिए काफी बेचैन है, मे बी मार्वल ये भी हमें दिखा सकता है। तो अब चलते हैं अगले केमियो पर। तो अगला केमियो भी आ रहा है एक्स मैन की सीरीज से, वो भी प्रोफेसर एक्स का। प्रोफेसर भी वो पुराने वाले। अगला केमियो होने वाला है कैप्टन कार्टर का, व्हाट इफ वाली कैप्टन कार्टर जिसे अभी तक हमने एनिमेटेड देखा है, अब देखने जा रहे हैं रियल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो यार मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भी आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो यार अब आ रहा है हमारा अगला केमियो जो कि होने वाला है दो हल्क वेरिएंट के बारे में। इसमें हमें दोनों हल्क के वेरिएंट दिख सकते नहीं मतलब कि ये कंफर्म्ड ही है। उसके बाद अगला केमियो है मोनिका रेम्बो जो कि अगले यूनिवर्स से होगी और वो वहाँ की कैप्टन मार्वल भी होगी। और एक और केमियो है जो कि है मोर्डो का जो कि अलग यूनिवर्स से होगा जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। तो यार ये हो गए कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म्ड केमियो जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकते हैं। तो यार कमेंट करके जरूर बता देना आपको कितना इंतजार है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। तो यार चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।